मेडिकल में एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाला रिजर्वेशन। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आपको इन सज्जन को सुनना चाहिए। आरक्षण देश को नष्ट कर रहा है, देश की जो हमारी योग्यता है उसको नष्ट कर रहा है, योग्य आदमियों को विदेशों में पलायन करवा रहा है और देश के अंदर अयोग्य आदमियों को बिठा करके ये जो गंगा में लाशें बहला रही है उनका जिम्मेवार है। ये सज्जन मेडिकल में एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाले रिजर्वेशन का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि कोविड काल में एससी एसटी ओबीसी के डॉक्टर्स की लैक ऑफ क्वालिटी, लैक ऑफ मेरिट की वजह से गंगा में लाशें बही। कुल मिलाकर महोदय मेडिकल में एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाले रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं। चौंके ना, चौंकना नहीं है। भारत में लगभग हर एक सवर्ण या रिजर्वेशन का विरोध करने वाले लोग विरोध में एक तर्क ये देते हैं कि रिजर्वेशन की वजह से एससी एसटी ओबीसी के अयोग्य बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं। जय भीम साथियों, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। तो आज बात करेंगे कि क्या इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम के बदहाल होने के पीछे मेडिकल एग्जाम्स में मिलने वाला रिजर्वेशन जिम्मेदार है, अगर है तो कैसे, और अगर नहीं तो फिर जिम्मेदार कौन। इसी टॉपिक की, इसी आर्ग्यूमेंट की पढ़ते उधेड़ेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए अम्बेडकर नामा के साथ साथ मेरे चैनल यानी द अम्बेडकर राइट को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने देश के 409 मेडिकल कॉलेजेस में एक स्टडी कंडक्ट करवाई। स्टडी की फाइंडिंग्स में उन्होंने पाया कि देश में लगभग 39,000 सरकारी मेडिकल सीट्स हैं और 17,000 सीट्स एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा की है। 39,000 सीट्स जिन पर सेलेक्टेड कैंडिडेट को गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, इन कैंडिडेट्स को नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट में आई मार्क्स के आधार पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होती है। अब बची मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा की 17,000 सीट्स। इन 17,000 सीट्स पर एडमिशन कैसे होते हैं ये समझने से पहले ये टेबल देखिए। इस टेबल से पता चलता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ऑन एवरेज 448 नंबर चाहिए, वहीं प्राइवेट कॉलेज में एवरेज 306 नंबर पर एडमिशन हो रहा है। शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट जिसका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो रहा है उसके एवरेज 398 नंबर आ रहे हैं, यानी शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है उसके प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले कैंडिडेट से 96 नंबर ज़्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि शेड्यूल कास्ट के बच्चे भी तो प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे होंगे, खाली प्रिविलेज कास्ट के बच्चे ही थोड़ी प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे होंगे। सवाल आपका जायज़ है, लेकिन इस सवाल का जवाब ये डेटा देते हैं। फाइंडिंग से पता चलता है कि प्राइवेट कॉलेज से जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं उनके एवरेज 367 मार्क्स है, जबकि प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले सभी कैंडिडेट्स के एवरेज मार्क्स 306 है, यानी शेड्यूल कास्ट से आने वाले कैंडिडेट्स यहाँ भी एवरेज मार्क्स से 61 नंबर ज़्यादा लेकर प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। इन फाइंडिंग से कंक्लूजन ये निकलता है कि चाहे एमबीबीएस कॉलेज प्राइवेट हो या एमबीबीएस कॉलेज गवर्नमेंट, शेड्यूल कास्ट से आने वाले कैंडिडेट्स मार्क्स लाने में कहीं भी किसी भी प्रिविलेज कास्ट के कैंडिडेट से कम नहीं है। तो दलित बच्चों की मेरिट पर सवाल करने के बजाय सवाल ये होना चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज से इतने कम मार्क्स पर किसके बच्चे एमबीबीएस कर ले रहे हैं। कुछ देर पहले हमने मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा का जिक्र किया था, याद है? आ जाओ अब उसका हिसाब किताब समझते हैं। देश के 409 मेडिकल कॉलेजेस में 17,000 सीट्स मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा की है। रिपोर्ट कह रही है कि एनआरआई कोटा से एडमिशन लेने के लिए नीट के एग्जाम में टोटल 720 अंकों में से एवरेज 221 नंबर और मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेने के लिए औसतन 315 अंकों की जरूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इतने कम मार्क्स पर एडमिशन कैसे मिल जा रहा है, समझ गए? तो भैया सीधा सा हिसाब है, जितने कम नंबर उतनी ज़्यादा फीस, यानी पैसा फेंको और डॉक्टर बनो। जैसे मैनेजमेंट कोटा से 315 नंबर पर एडमिशन हो रहा है, यहाँ आपको फीस देनी पड़ेगी 13 लाख रुपए। अगर आपका बच्चा और भी गया बीता है और फिर भी आप उसे डॉक्टरी करवाना चाहते हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा एनआरआई कोटा से और आपको नंबर चाहिए मात्र 221, कितने में से 720 में से, और आपको फीस देनी होगी 19 लाख रुपये। तो एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के मार्क्स पर आधारित मेरिट पर सवाल उठाकर कोविड काल में गंगा में वही लाशों का ठीकरा, रिजर्वेशन पर फोड़ने वालों और डॉक्टर्स के बारे में बात चलने पर बक से एससी एसटी ओबीसी के बच्चों की मेरिट पर सवाल खड़ा कर देने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा है ये रिपोर्ट। लेकिन सवाल तो अभी भी जिंदा है कि अगर इंडिया में खराब मेडिकल सिस्टम का जिम्मेदार रिजर्वेशन नहीं है तो फिर और कौन? आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लचर स्वास्थ्य सुविधाओं का ठीकरा गलत जगह फोड़ने वाले लोगों से ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि सूचना के अभाव में लोगों को जब मेडिकल फील्ड के बेटरमेंट के लिए लड़ना होता है उस वक्त लोग मंदिर के लिए लड़ रहे होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा रिपोर्ट्स एंड डेटा कह रहे हैं।
भारत में हेल्थ केयर सिस्टम के घुटनों के बल रेंगने के कारणों की शुरुआत होती है भारत के पार्लियामेंट से, क्योंकि इंडिया अपनी जीडीपी का 1.3% हेल्थ केयर पर स्पेंड कर रहा है। इस ग्राफ में आप देखोगे कि कैसे इंडिया अपनी जीडीपी का 1.3% स्पेंडिंग के साथ श्रीलंका, चाइना और थाईलैंड के साथ बोनासा छपनीस की छाती चौड़ी किए खड़ा है। एक रिपोर्ट से पता चला कि इंडिया में गवर्नमेंट औसतन 3 रुपये आम आदमी की हेल्थ पर खर्च करती है। WHO की फाइंडिंग्स के अनुसार आम आदमी की हेल्थ पर स्पेंड होने वाले खर्च में 33.33% सरकार से आता है और बाकी 66.66% आम आदमी की पॉकेट से। रिपोर्ट कहती है कि एक बार अर्बन इंडिया में हॉस्पिटल जाने पर आपकी जेब पर 26,000 रुपये का खर्च आएगा, जबकि एक दूसरी रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में 57% रेगुलर एम्प्लॉई 10,000 रुपये प्रति महीना से भी कम कमाते हैं। अब आप बताओ, 57% पॉपुलेशन 10,000 रुपये प्रति महीना से भी कम कमाती है तो वो कैसे 26,000 रुपये की हेल्थ केयर स्पेंडिंग को अफोर्ड कर पाएगी? ऐसे अगर आप डेटा और फैक्ट के साथ बात करोगे तो विश्व गुरु की जग हंसाई होते देर नहीं लगेगी। बस बात यह है कि इस देश में बात नहीं हो रही। GOQII की रिपोर्ट के अनुसार 92% से भी ज़्यादा इंडियंस इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं करते, है ना गजब। तो अब इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे उन 5 रीजंस की जो इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के इतना खराब होने के फंडामेंटल रीजंस हैं। इन 5 रीजंस में से पहला रीजन है डॉक्टर प्रोडक्शन। जी, फुल फ्लेज्ड डॉक्टर बनने के लिए 5 साल के MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है, जिससे MD या PG डिप्लोमा करके कोई डॉक्टर बनता है। लेकिन अब यहाँ खेल को समझिए, मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए AIPGW की एक एग्ज़ाम लगती है। इसमें हर साल 80,000 से लेकर 1,00,000 कैंडिडेट्स अपेयर होते हैं, लेकिन इसमें सीट्स होती है 6,200। कितनी? 6,200 मात्र। तो यहाँ से पता चलता है कि टोटल एग्ज़ाम देने गए बच्चों में से 8% से भी कम बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा पाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गए 6,200 मेडिकल कैंडिडेट्स अलग अलग मेडिकल स्ट्रीम्स, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, फिजिशियन, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी या सर्जरी जैसे अलग अलग स्ट्रीम्स में एडमिशन लेते हैं। इसे ऐसे समझते हैं जैसे किसी को चमड़ी का डॉक्टर बनना है तो वो डर्मेटोलॉजी में मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, और किसी को अगर हड्डी रोग विशेषज्ञ बनना है तो वो मास्टर डिग्री करेगा ऑर्थोपेडिक्स में। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब 6,200 कैंडिडेट्स निकलते हैं तो वो अलग अलग स्पेशलिस्ट फील्ड में बढ़ने के बाद 100 से 150 के आंकड़े में पहुंच जाते हैं। यानी 6,200 में से चर्म रोग विशेषज्ञ की अगर हम बात करें तो कोई 100 से 150 चर्म रोग विशेषज्ञ हर साल बनेंगे। अब आप एक बात बताओ, 140 करोड़ पॉपुलेशन वाले इतने बड़े देश में 100 से 150 खुजली रोग विशेषज्ञ बनेंगे तो जनता तो खुजली से ही मर जाएगी ना। तो पहला तो रीजन ये हुआ कि हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर पॉपुलेशन के रेशियो में बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकंड रीजन जिसे हमें प्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर से रिलेट करके देखना चाहिए वो ये है, लो डॉक्टर पेशेंट रेशियो। जी, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन इंडिया का माजरा अलग है। यहाँ 10,926 लोगों पर एवरेज एक डॉक्टर है। क्या समझे? 10,926 लोगों पर एक डॉक्टर। मैं यहाँ आपको नेशनल हेल्थ प्रोफाइल का डेटा दिखा रहा हूँ जो 2018 में लिया गया है। यहाँ आप देखोगे कि दिल्ली में 2203 लोगों पर एक डॉक्टर है, हालांकि ये अभी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड से काफ़ी दूर है। लेकिन तुर्की में ऊंचाई छूने वाले अपने योगी बाबा का उत्तर प्रदेश भी 19,962 लोगों पर एक डॉक्टर के साथ लिस्ट में लंबी नाक लिए ओंधे मुंह गिरा पड़ा है। OECD के 2015 से 2018 के डेटा से भी अगर डॉक्टर पर 1,000 में इंडिया को बाकी देशों से कंपेयर करेंगे तो हमारी बद प्रति दिखेगी। द फ्यूचर ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया की रिपोर्ट KGMG की रिपोर्ट के हवाले से कहती है कि यहाँ 550 मेडिकल कॉलेजेस तुरंत खोले जाने की ज़रूरत है, जहाँ हर कॉलेज में कम से कम 100 सीट्स हो। अगर ऐसा आज होता है तो ही इंडिया मेडिकल में 2030 तक ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुँच पाएगा। तो अब मेडिकल फेलियर का ब्लेम इधर उधर थोपने से बेहतर है कि हम नेताओं को उनकी कॉलर पकड़ कर पूछें कि 2030 तक बिना मेडिकल कॉलेजेस के इंडिया कैसे मेडिकल में ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुँचेगा। मैं आपको बता दूँ, अगर आप सवाल पूछोगे तभी वो मुंह उठाकर मन की बात करने के बजाय काम की बात करना शुरू करेंगे। मेडिकल में इंडिया के खस्ता हाल का तीसरा कारण है, रोट लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्लिनिकल स्किल्स। यानी साधारण शब्दों में कहूँ तो यहाँ तोतो को डॉक्टर बना दिया जाता है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर के लिए लगने वाले एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होते हैं। ये एग्ज़ाम नॉलेज बेस्ड होने की बजाय मेमोराइजिंग पावर पर बेस्ड होते हैं। हालांकि MBBS के लिए लगने वाले एग्ज़ाम नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी NEET अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल है, हम उसे किसी और वीडियो में कवर करेंगे।
लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम से मेडिकल कैंडिडेट्स को इवेल्यूट करने के बजाय ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानी ओएससीई के प्रोसीजर से इवेल्यूट किया जाना चाहिए। मेडिकल कैंडिडेट्स को इवेल्यूट करने का ये तरीका अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और जर्मनी जैसे कंट्रीज में यूज लिया जाता है। अगर हम फोर्थ रीजन की बात करें तो वो मुझे नज़र आता है लैक ऑफ स्किल टीचर्स इन मेडिकल कॉलेजेस। जी ठीक सुना, यहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में स्किल्ड टीचर की कमी है क्योंकि यहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में टीचर को उनकी डिग्री के आधार पर सेलेक्ट किया जाता है, जबकि होना ये चाहिए कि उन्हें क्लिनिकल एक्सपीरियंस और स्किल्स के आधार पर सेलेक्ट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने का नुकसान ये हुआ कि टीचर्स बच्चों को इफेक्टिव नॉलेज नहीं दे पाते, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल्ड टीचर नहीं होने का एक कारण ये है कि यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक एसोसिएट प्रोफेसर को ऑन एवरेज 17 लाख पर एनम यानी 17 लाख सालाना सैलरी मिलती है। इस वजह से जो ज़्यादा स्किल्ड है, जो ज़्यादा टैलेंटेड टीचर्स है, वो कहीं और चले जाते हैं। मेरे हिसाब से इंडिया के खस्ता हाल मेडिकल सिस्टम का पांचवां और लास्ट कारण है इंडिया में 398 मेडिकल कॉलेजेस में 215 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का होना। इन प्राइवेट कॉलेजेस से वो अमीरजादे, वो रद्दी माल MBBS करके निकलता है जिनके पापा के पास अकूत प्रिविलेज, अकूत संपत्ति होती है, क्योंकि इन कॉलेजेस से MBBS करने वाले बच्चों को 20 लाख से 1 करोड़ से ज़्यादा तक फीस चुकानी पड़ती है। प्राइवेट कॉलेजेस में कैसी पढ़ाई करवाई जाती है उसका हिसाब किताब समझने के लिए आज तक न्यूज़ चैनल के द्वारा करवाया गया एक स्टिंग ऑपरेशन आप देख सकते हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन आर्टिकल 19 इंडिया के एडिटर इन चीफ नितिन जैन साहब की आवाज़ में आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। अब आप खुद सोचिए, क्या इतनी हाई फीस भर के घटिया कॉलेज से डिग्री लेकर डॉक्टर बना लड़का भारत के समाज को, भारत की सोसाइटी को सर्व करेगा? नहीं, क्योंकि एक रिपोर्ट कहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 50% बेड्स खाली रहते हैं क्योंकि यहाँ इलाज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। उसका रीज़न यही है क्या? यही कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से धरना सेठों की औलादों का करोड़ों रुपए भरकर, पर करोड़ों रुपए की फीस भरकर MBBS करना। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए दोनों चैनल्स अंबेडकर नामा और दी अंबेडकर राइट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद। प्रेम बना रहे।